मैडम कुछ चाहिए था आपको? हम में से किसी को आवाज दे दी होती कोई भी आ जाता। क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? लो ये मैं करती। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? आज साहब के लिए खाना मैं बनाऊंगी। मैडम बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे कुछ नहीं कहती वो, मैं अपनी मर्जी से खाना बना रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि सारे मसाले कहाँ हैं इस कैबिनेट में? और ये क्यों लॉक है? मैडम ये लॉक नहीं खुलेगा, इसकी चाबी बड़ी बेगम साहिबा के पास होती है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं, मायर को ये मुझे दे दो, आप वो कर लो वहां से। मायर को खाने में और क्या क्या पसंद है? मायर साहब को देसी खाने बहुत पसंद है, वो बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से बर्तन निकालो और सारे मसाले निकाल के सामने रखो, मैं बनाती हूँ। आपके बाबा आए हैं। बाबा आए हैं, अब मैं आती हूँ। बेटे की शादी कर रही हूँ, मुझे दादी बनने पर कोई एतराज नहीं। तुमने सुना अनुषे, सबीन क्या कह रही है, अब तुम भी जो है ना तैयारी कर लो। अरे नहीं भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या है, जिस दिन मैं दादी बनूंगी सब समझेंगे 50 की हो गई हूँ। वैसे एक बात है अनुषे, बातों बातों में तुमने अपनी सही एज बता दी। बिलीव मी अनिला, लास्ट वेकेशन में स्विट्जरलैंड गई थी, एक हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, वो जानता भी नहीं था दो जवान बेटे हैं मेरे और एक अदद बहू भी है। हाँ वही। अरे सबीन, तुम्हारी बहू को लेके सर्कल में काफी चर्चे हो रहे हैं, हमें भी तो मिलवाओ। हमें भी तो पता चले तुमने अपने खूबरू बेटे के लिए किस लड़की का इंतखाब किया है। यकीनन खानदानी और ऊंचे घर से होगी, आफ्टर ऑल उस लड़की ने अदनान शर्वानी की बेटी को रिप्लेस किया है। मेरी बहू को देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। पहले कुछ खा तो लो।